पाएंगे। रोक ले बेटा, रोक ले। अरे के दर्द है? दर्द वर्द छोड़, नीचे उतर ले। ना उतर रहा। अरे खड़ा हो ले। ना उतरू भाई। खड़ा हो ले, खड़ा हो ले, खड़ा हो। कैसे भाई, कहाँ खोया पड़ा है? यार एक छोरी है, 2-3 दिन तक बड़ा नैन में टक्का सा चल रहा है उसकी गैल। बस मौका ही ना मिल पा रहा अपने दिल की बात कहने का, ना तो 99% बात कती सेट है। के करो तो भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां टोटके वाले पार्क में आवे, वो भी आएगी शाम ने, यो ही मौका है, मार दे गरम लोहे पा थोड़ा। हाँ भाई, क्या मैटर है सवाई जहाज का? पायलट वायलट बनने की तैयारी चल रही है क्या? हाँ यार, एक लड़का है। मतलब तू उसे हाँ बोल देगी? अबे तू बेवकूफ बेवकूफ है क्या? क्यों? अच्छा तो क्या है मतलब? बे तू लड़की है और लड़कियों का काम होता है लड़कों को घुमाना। पहले थोड़ा सा घुमाएंगे, उंगलियों पे नचाएंगे, अपनी सारी विशेस पूरी करवाएंगे, और लौंडे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना तो बनता है यार। और तू ऐसे ही हाँ बोल देगी, उसको तो लगेगा एरी एरी लड़की है कोई। पर कुछ नहीं, अब से तू वही करेगी जो मैं तुझे बोलूँगी। आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और मैं चाहता हूँ कि अपने साथ साथ तुम्हारा दिन भी स्पेशल बनाऊँ। इतना सस्ता प्रपोजल, ऐसे घिसे पेटे प्रपोजल आए दिन 36 लौंडे मारते हैं मुझे। जिस दिन मेरे लिए कुछ स्पेशल और क्रिएटिव करने की औकात आ जाए ना, उस दिन आ जाना मेरे पास। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता। अरे म्यूजिक रोकिए रे। पटियाला तेरे तो पता ही है मैं कितना बड़ा देशभक्त आदमी हूँ। तू कैसे देशभक्त भाई? अरे जितने भी ये परमाणु न्यूक्लियर बम बन रहे हैं, ये हमारे देशी तंबाकू तो बन रहे हैं, और कैसे बन रहे हैं? हेलो, कहाँ पर हो तुम? यार मैं तो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। मुझे 5 मिनट में तुम यहाँ चाहिए हो। अरे यार मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, समझा करो। इम्पोर्टेंट काम गया भाड़ में, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। 5 मिनट मतलब 5 मिनट। हाँ भाई, क्या इम्पोर्टेंट काम था तुझे? यार ये इतनी देर से बोली जा रही है, मेरी जुराबों में से बदबू आ रही है, जरा सूंघ के बताइयो। बसूड़ी पड़ गई आंख मेरी लड़की, बसूड़ी पड़ गई आंख मेरी लड़की। या मैंने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया उसके साथ? मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं होता यार, और वैसे भी लोगों को तो आदत होती है। तू देखना आगे और क्या करूंगे, मैं तो पूरी लिस्ट बना रखी है, दिखाऊं? ये देख। नहीं भाई, अब मुझे और कुछ नहीं करना, मैं जा रही हूँ उससे सॉरी बोलने। यार मेरा तो जीना हराम कर दिया उस छोरी ने, अगर मुझे पता होती ना छोरियों के इतने नखरे रहे, साला इस चक्कर में ही ना पड़ता। अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, ऊपर वाला जो कर रहा है ना अच्छे के लिए करे। भाई तू ऊपर वाले छोड़, उसकी तो बहुत चल ली, अब मेरी बारी है। एल्विश आई एम रियली सॉरी यार, मैंने जो कुछ किया अपनी फ्रेंड के कहने पे किया, आई डिडंट रियली मीन दैट। अच्छा चल तू एक बात बता, टाइम क्या हो रहा है? टाइम? मैंने घड़ी तो पहनी ही नहीं। बेटा घड़ी पैर भी मत लिए ना, तो टाइम बहुत खराब चलने वाला है। मतलब ओ आइए रे।
हाँ भाई, अब तो तेने पता चल गई होगी कि दूसरे के चढ़ाए मारने तो अपना ही नुकसान है, रहेगी ना हक्की बक्की। अपनी भाभी तो राम राम कह अटल जाए आते पागल सी बोले ना बंदूक बारा बोर दी जिथे तेरा यार बोलता।